से आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बेलापुर से वासी जो है वहाँ लेके चलता हूँ और बताता हूँ। वासी में बहुत साल पहले आया था, तब वासी रेलवे स्टेशन बन रहा था, अब तो ये ट्रैक आगे तक जुड़ गया तो उसी को। और ये मेरे पीछे जो देख नहीं पा रहे हैं आप, ये बेलापुर का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से थोड़ी सी दूर पर जाके वासी करीब चौथा या पाँचवा स्टेशन है, तो अब वहाँ चलते हैं और उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। लेने का जोन है टिकट लेते हुए है और फिर यहाँ अपन जा सकते हैं। टिकट तो मैंने पहले ही ले रखा है, अब यहाँ पे अलग अलग ट्रैक के लिए इन्होंने वो बना रखे हस्ते अंडरग्राउंड में, बस उसी से अपन का एंट्री होना है। जैसे जगह का नाम लिखा हो खार कोपर, तो मुझे खार कोपर ना जाके CSMT वाली ट्रेन पकड़नी है। CSMT थाने जो दो ट्रैक दे रखे हैं उनके बारे में, वो ये वाला CSMT थाने। इस तरह से ट्रैक के ऊपर चढ़ जाएंगे अपन। मैं आ गया हूँ और यहाँ से ट्रेन पकड़ के CSMT छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और चर्च गेट को हम जा सकते हैं। बेलापुर में लिखा हुआ स्टेशन बेलापुर, इस तरह से मेट्रो आएगी। मेट्रो ना कहेंगे, लोकल ट्रेन ही है जी, यही वो मेरी ट्रेन आ गई है CSMT वाली, उसी से अब हम चले। यहाँ ट्रेन 3:30 बजे शुरू हो जाती और रात 12 बजे तक चलती, यानी 2 घंटे का ब्रेक मिलता है, फिर ब्रेक नहीं करती। और हम चले हम वासी रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, चलें भाई लोग। आप ये बोर्ड भी लगा रखा है जिसमें एग्जीबिशन हॉल, कन्वेंशन सेंटर, साइन पनवेल हाईवे, प्लाम ब्रिज और वासी गांव के लिए बता रखा है। उसके पास में ये BSNL की बहुत बड़ी बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग, BSNL का ऑफिस है। इससे होते हुए हम कर्नाटक राजस्थान बॉर्डर से यहाँ सीधे वासी रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं। और ये VRSCCL ने मेंटेन कर रखा है, ये वासी रेलवे स्टेशन बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें बारिश सर्दी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ने बहुत पैसा लगाया इस पर, बहुत बड़ा स्टेशन है ये। मुंबई स्थित वासी रेलवे स्टेशन, हाँ मैं इसी में चलूँगा और आपको दिखाता हूँ ये वासी का रेलवे स्टेशन। जब कभी मैं आया था तब तो बन रहा था, अब तो बनके तैयार हो गया, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, इसमें बारिश का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये देख रहे होंगे दोस्तों वासी स्थित राजस्थान भवन, तो ये राजस्थान भवन है और ये इसका सर्किल है। बस सर्किल के स्टेशन के बिल्कुल सामने ही है और ये कल्याण जो ज्वेलर्स है, यहाँ से BSNL का गवर्नमेंट ऑफिस है, इसी से ये रास्ता वासी रेलवे स्टेशन सीधा आ रहा है। यहाँ पर हम आके रुक सकते हैं राजस्थान भवन में। और ये बड़ी सी बिल्डिंग जो दिख रही है वो मैंने बताई थी आपको, अरुणाचल भवन, सामने कर्नाटक भवन, फिर उसके जस्ट पास में राजस्थान भवन और फिर ये प्राइवेट अलावा की बिल्डिंग है। उससे दूसरा डिस्प्ले बोर्ड है राजस्थान भवन का, जो कि नवी मुंबई में स्थित है राजस्थान भवन। और ये वासी रेलवे स्टेशन के पास में ही है, वासी से इधर से जब हम आएँगे तो ये पास में पड़ जाएगा। और ये राजस्थान कल्चर को यहाँ पूरा दिखा भी रखा है और ऊपर बाकायदा राजस्थान भवन दिखता है। ये देख रहे हो वासी स्थित जो राजस्थान भवन है राजस्थान सरकार का, तो ये वह यहाँ पर है और इसके जस्ट सामने ही है अरुणाचल भवन। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने अपना खुद की बिल्डिंग बना रखी है बहुत बड़ी, उस सामने राजस्थान हाउस है। तो गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं
और गवर्नमेंट के जो नेता है या ऑफिसर्स वगैरह है वो इस राजस्थान भवन में आके रुकते हैं। बकायदा इसमें लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये देख लीजिए। आज का डिनर यहाँ पे सिडको अधिवेशन कन्वेंशन सेंटर जो है उसमें हुआ है, और राजस्थान हाउस के पास में ही सिडको कन्वेंशन सेंटर। अभी बोर्ड भी लगा रखा है जिसमें एग्जीबिशन हॉल, कन्वेंशन सेंटर, साइन पनवेल हाईवे, प्लाम ब्रिज और वासी गांव के लिए बता रखा है। उसके पास में ये BSNL की बहुत बड़ी बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग, BSNL का ऑफिस है। Maturity in science and technology. Behind all these moments of joy, our soldiers should not be forgotten as they are walking towards a noble cause of protecting their nation and its people. सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों में सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों में सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का जन्म। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझमें, इस मिट्टी का आदर मुझमें। मैं देश भक्त भी कर रहा हूं, मैं नए भारत का जन्म, मैं नए भारत का जन्म। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। विज्ञान में हो, किसान में हो, हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। जय भारत, जय राजस्थान।